हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूँ रेडमी नोट 7 प्रो और रेडमी नोट 7 एस के बारे में। इसमें दोनों फ़ोन अभी रेडमी ने ही हाल ही में ही लॉन्च करे हैं और दोनों ही फ़ोनों के फीचर्स सेम हैं। आपको मैं इसमें बताने वाला हूँ कि आपको कौन सा फ़ोन ख़रीदना चाहिए और दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं इन दोनों फ़ोनों के कुछ डीपली फीचर्स के बारे में, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा फ़ोन परचेज़ करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको रेडमी नोट 7 प्रो और रेडमी नोट 7 एस के फ़ीचर्स कुछ दिए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नेटवर्क की। तो यहाँ पर जो नेटवर्क की टेक्नोलॉजी जो दी गई है, यहाँ पर GSM दोनों सिमें हैं और HSPA LTA मतलब दोनों में ही रेडमी 7 प्रो में और रेडमी नोट 7 एस में सेम है, और 2G दोनों में सेम है, और आपका 3G नेटवर्क दोनों में सेम है। और बात कर लेते हैं 4G नेटवर्क की, तो 4G नेटवर्क भी दोनों में सेम है। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसके स्पीड के बारे में। स्पीड में आप देखेंगे तो अधिकतर दोनों में सेम ही है, लेकिन यहाँ पर जो 7 प्रो में जो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, यहाँ पर 3CA टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जिससे यह रेडमी नोट 7 प्रो को कुछ ज़्यादा ही फास्ट नेटवर्क के मामले में बनाता है। और यहाँ पर रेडमी नोट 7 एस में रेडमी नोट 7 प्रो के अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ा स्पीड इन्होंने 2CA का यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। तो अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट फीचर के बारे में। और नेक्स्ट फीचर आपको बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर रेडमी नोट 7 जो प्रो है, यहाँ पर सी लाइन में दिया गया है और रेडमी नोट 7 एस डी लाइन में दिया गया है। तो आप इस चीज़ का थोड़ा कन्फ्यूज मत होइएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो इसमें GPRS दोनों में है, एज दोनों में है। दोनों जो Redmi Note 7 Pro है अनाउंसड हुआ था 2019 फरवरी में, और Redmi Note S जो लॉन्च हुआ था 2019 में, जो कि अभी ही लॉन्च हुआ है हाल फिलहाल में ही। और स्टेटस की बात करें तो दोनों अवेलेबल हैं। डेमेंसिएशन की बात करें तो दोनों एक जैसे ही फ़ोन है और दोनों में वजन ही एक जैसा है, दोनों ही 186 ग्राम के हैं। और बात करें इनकी बिल्ड क्वालिटी की, तो फ्रंट और बैक ग्लास है, गोरिल्ला ग्लास 5 दिया गया है। और इसमें रेडमी नोट एस में जो आपका प्लास्टिक फ्रेम दिया गया है आपका बैक साइड में। बात करते हैं सिम की, तो दोनों में ही हाइब्रिड ड्यूल सिम का यूज़ किया गया है, और नैनो सिम और ड्यूल स्टैंड बाई दोनों में ही है। और बात करें तो रेडमी नोट 7 एस में स्प्लैश रेजिडेंट दिया गया है, जिसमें कि अगर थोड़ा बहुत अगर पानी से अगर कुछ टच होता है ये फ़ोन, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पानी में थोड़ा बहुत चल जाएगा। और बात करें इसके नेक्स्ट फीचर टाइप के बारे में, तो IPS डिस्प्ले है इसकी, LCD कैपेसिटी टच स्क्रीन Redmi Note 7 Pro में, और सेम ही Redmi Note 7 S में है। साइज दोनों का सेम है, दोनों का एक जैसा साइज है, और स्क्रीन रेशो भी दोनों का एक जैसा ही है। रेजोल्यूशन की बात करें तो दोनों में सेम है, दोनों के PPI सेम है, पिक्चर पर इंच दोनों में सेम ही है। बात करें इसमें प्रोटेक्शन की, तो प्रोटेक्शन में दोनों में ही गोरिल्ला ग्लास 5 दिया गया है रेडमी ने। अब बात करते हैं इसके प्लेटफॉर्म की, जो कि OS ऑपरेटिंग सिस्टम इसका जो है एंड्रॉयड 9 पाई पे है, MIUI 10 पे ये वर्क करते हैं दोनों फ़ोन। बात करें इसके चिपसेट की, चिपसेट में दोनों में क्वालकॉम दिया गया है, स्नैपड्रैगन M675 ये आपका नोट 7 प्रो में दिया गया है, और M6060 स्नैपड्रैगन ये आपका नोट 7 एस में दिया गया है। तो अगर दोनों की स्पीड की बात करें तो नोट 7 प्रो ज़्यादा ही फास्ट है अकॉर्डिंग टू नोट 7 एस के अकॉर्डिंग। तो इसमें अगर आप स्पीड के मामले में अगर फ़ोन लेना चाहते हैं तो नोट 7 प्रो को रेफ़र कर सकते हैं। बात करें CPU के बारे में, तो CPU में ऑक्टा कोर 2.2 GHz का कोरियो इसमें दिया गया है रेडमी नोट 7 प्रो में, और ऑक्टा कोर 4.2 GHz कोरियो दिया गया है रेडमी नोट 7 एस में। तो इसके अकॉर्डिंग भी अगर आप प्रेफर करें, तो अगर इसमें देखा जाए तो रेडमी नोट 7 एस में इसमें कुछ ज़्यादा ही फीचर, मतलब ज़्यादा ही स्पीड वाला ये CPU दिया गया है। अब बात करते हैं GPU की, गेमिंग प्रोसेसिंग यूनिट की, तो एंड्रीनो 612 रेडमी नोट 7 प्रो में दिया गया है, और एंड्रीनो 1512 रेडमी नोट एस में दिया गया है। तो बात करें अगर आप ज़्यादा ही गेमिंग लवर हैं, ज़्यादा ही अगर पबजी खेलते हैं, तो आप इसमें रेडमी नोट 7 प्रो को प्रेफर कर सकते हैं। रैम और रोम के बारे में देखा जाए तो रैम इसमें दो वेरिएंट में ये दोनों फ़ोन लॉन्च हुए हैं। जो रेडमी नोट 7 प्रो लॉन्च हुआ है 4/64 के साथ और 6GB 128GB के साथ लॉन्च हुआ है, और रेडमी नोट 7 एस जो लॉन्च हुआ है 4GB 64GB के साथ और 3GB 32GB के साथ ये लॉन्च हुआ है।
बात करते हैं अब इसके कैमरे के बारे में। कैमरा जो दोनों में है सेम फीचर्स के कैमरे दिए गए हैं, दोनों में 48 मेगापिक्सल और 5 MP दोनों में रेयर कैमरे हैं और दोनों में ही ड्यूल LED फ्लैश HDR पैनोरामा मोड दिया गया है। वीडियो की बात करें तो रेडमी नोट 7 प्रो जो है 2160p 30 FPS पर काम करता है और यहाँ पर रेडमी नोट 7S जो है यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग रेडमी नोट 7 प्रो के अकॉर्डिंग थोड़ा इसमें कम फीचर्स इसमें कैमरे में दिए गए हैं। तो इसके नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करते हैं, सेल्फी कैमरा जो इसमें दिया गया है, सेल्फी कैमरा रेडमी नोट 7 प्रो में 13 MP का दिया गया है और यहाँ पर रेडमी नोट 7S में सेल्फ़ी थोड़ा अच्छी बनाने के लिए कुछ अच्छे फीचर्स में यूज़ किए गए हैं, हालांकि कैमरा 30 MP का ही दिया गया है और इसमें फ़ीचर्स HDR दोनों में HDR फीचर्स हैं। वीडियो की बात करें तो वीडियो की क्वालिटी भी दोनों की सेम है, लाउडस्पीकर सेम है और 3.5 mm जैक भी सेम है। अब कॉम्स के बारे में बात करें तो दोनों में वाई लैन जो नेटवर्क दिए गए हैं दोनों में सेम नेटवर्क दिए गए हैं और इसमें एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन दोनों में ही दिया गया है, जो एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन माइक जो होता है वो दोनों में ही दिया गया है। दोनों में ही हॉटस्पॉट्स वाईफाई डायरेक्ट हैं और ब्लूटूथ के बारे में बात करें तो दोनों में ही सेम 5.0 के ब्लूटूथ दिए गए हैं। GPS की बात करें तो दोनों में ही GPS है और सेम फीचर्स के GPS हैं, इन्फ्रारेड पॉइंट दोनों में है और रेडियो दोनों में है, रेडियो रिकॉर्डिंग भी दोनों में है। USB की बात करें तो USB यहाँ पर आपको टाइप सी दोनों में दी गई है जो कि रिवर्सिबल कनेक्टर है, मतलब कि आप चार्जर को कैसे भी घुमाकर लगा सकते हैं, आगे से पीछे से भी कैसे भी लगा सकते हैं। बात करें सेंसर के बारे में तो सेंसर यहाँ पर आपको जो दिए गए हैं सेंसर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर हैं और एस्केलोमीटर है, जायरो है, प्रॉक्सिमिटी है और कंपास, दोनों ही सेंसर आपको इसमें सारे सेंसर आपको सेम दिए गए हैं, कोई भी किसी में कुछ भी अंतर नहीं है। बात करें बैटरी की तो बैटरी में दोनों में 4000 mAh की लिपियो बैटरी दी गई है और नॉन रिव्यूएबल बैटरी है। चार्जिंग में देखा जाए तो दोनों में सेम चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं टाइप सी और चार्जिंग ये तुरंत चार्ज करते हैं क्विक चार्जर 4 जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जिसमें कि आप 60 सेकेंड में आप फ़ोन को अप्रोक्स 60% तक चार्ज कर सकते हैं। और बात करें इसमें कलर कौन कौन से इसमें लॉन्च हुए हैं तो रेडमी नोट 7 प्रो में जो कलर आए हैं नेबुला रेड, नेपच्यून ब्लू, स्पेस ब्लैक और रेडमी नोट एस में जो कलर आए हुए हैं ऑक्सी ब्लैक, स्पेयर ब्लू, रूबी रेड। तो दोनों के कलर के बारे में बात करें तो रेडमी नोट 7 प्रो में कुछ अच्छे कलर हैं, अगर आप जाएं अगर डिज़ाइन के बारे में बात करें कलर के बारे में बात करें तो रेडमी नोट 7 में कुछ अच्छे कलर दिए गए हैं। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, कौन से वेरिएंट का किस तरह का प्राइस यहाँ पर इंडिया में रखा गया है, ये तो चाइना का प्राइस आ रहा है यहाँ पर। हम बात करते हैं इंडिया के प्राइस की कि इंडिया में कौन से वेरिएंट का कौन सा प्राइस रखा गया है। रेडमी नोट 7 नोट प्रो के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसके 3 वेरिएंट लॉन्च हुए हैं इंडिया में, एक 4GB रैम 64GB के साथ जिसका प्राइस 13,999 रुपये है, 6GB रैम 64GB के साथ 15,999 रुपये है और 6GB रैम 128GB रैम के रोम के साथ 16,999 रुपये यहाँ पर प्राइस रखा गया है। अब बात कर लेते हैं Xiaomi Redmi Note S के बारे में, तो यहाँ पर जो प्राइस रखे गए हैं 3GB रैम 32GB रोम के साथ 10,999 रुपये और 4GB रैम और 64GB रोम के साथ 12,999 रुपये। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन सा फ़ोन प्रिफेयर करना चाहिए। अगर बात करें कि अगर आप सिर्फ फ़ोन को यूज़ करना चाहते हैं एज अ कैमरा तो आप रेडमी नोट 7S को प्रिफेयर कर सकते हैं और अगर बात करें थोड़े नेटवर्क के बारे में, थोड़े स्पीड के बारे में और अगर आप गेमिंग के ज़्यादा शौक़ रखते हैं तो आप रेडमी नोट 7 प्रो को प्रिफेयर कर सकते हैं। हालांकि दोनों के रेटों में करीब 1,000 रुपये का डिफरेंस है और अगर कैमरे के मामले में यूज़ करना है तो आप इसका 3GB और 32GB वाला वेरिएंट ले सकते हैं रेडमी नोट एस का, और अगर आप थोड़े ज़्यादा ही रैम और ज़्यादा ही इंटरनल मेमोरी चाहते हैं तो आप रेडमी नोट 7 प्रो को प्रिफेयर कर सकते हैं 16GB रैम और 128GB रोम वाले वेरियंट को। दोनों ही फ़ोनों की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और दोनों के ही फ़ोन के डिज़ाइन सेम हैं और एक जैसे ही कलर जैसे लगते हैं ये, तो आपको चूज़ करना है कि आपको किस तरह का फ़ोन और किस यूज़ में आपको फ़ोन यूज़ करना है तो उस तरीके से आप फ़ोन को प्रिफेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।